हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन कई जगहों पर अब तक तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाई है। यमुनानगर के छिछरौली अनाज मंडी में व्यवस्थाओं का अभाव दिखाई दिया, जहां न तो शौचालय में साफ सफाई हुई है और न ही टूटी सड़कों की मरम्मत हो पाई। अन्नदाता की फसल की जहां 1 अप्रैल से खरीद शुरू होनी है, तो वहीं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरह से इंद्र देवता किसानों पर जो है कहर बरपा रहे हैं। बात करें तो कुछ दिन पहले भी यमुनानगर में बरसात और ओले देखने को मिले थे, तो वहीं जहां कल से जो है खरीद शुरू होने जा रही है, उससे ठीक एक दिन पहले बरसात शुरू हो चुकी है। देर रात से यहां पर बरसात जारी है। हम इस वक्त छछरौली अनाज मंडी में खड़े हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बरसात की वजह से सड़कों पर पानी बह रहा है। वहीं बात करें व्यवस्थाओं की, तो छछरौली अनाज मंडी में सड़कों और टॉयलेट की व्यवस्था में थोड़ा कमियां जरूर हैं, लेकिन अगर शेड की बात करें, जिस तरह हर साल जो है कहीं ना कहीं जब गेहूं की खरीद शुरू होती थी उस वक्त जो है अनाज मंडी के शेड जो है अटे पड़े रहते थे, तो इस बार जो है अनाज मंडी के शेड तो ज़रूर खाली हैं, लेकिन अभी तक जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें तो कल से जो है अनाज मंडी में जो है गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि 2 दिन तक लगातार बरसात हो सकती है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किसान इन 2 दिनों में कैसे अपनी फसल लेकर पहुंचेंगे, और उसके बाद भी, क्योंकि बरसात के बाद कई दिन लग जाते हैं गेहूं की फसल को जो है सूखने में, क्योंकि जो फसल कट चुकी थी और जो अभी खड़ी फसल है वह जो है बिछ चुकी है, और उसे कटने में भी काफ़ी समय लगेगा। देखना ये होगा कि इस बार की जो है अनाज मंडी की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन द्वारा की गई हैं वो कितनी दुरुस्त साबित होती हैं। वहीं दूसरी ओर छछरौली अनाज मंडी के सेक्रेटरी उमेश का दावा है कि मंडी में सब कुछ दुरुस्त है। देखो, मंडी की परचेज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, और इसके जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जैसे पानी है, बिजली है, सफाई है, ये सब व्यवस्था हमने कर ली गई है। जैसे हमारे छछरौली मंडी में 6 वाटर कूलर हैं, सब यार्ड में 2 हैं, परचेज सेंटर में 1 हैं, और जितनी स्ट्रीट लाइट हैं या कवर साइड हैं सब ठीक हैं। नारनौल अनाज मंडी में भी बारिश से फसलों को बचाने के कोई इंतजाम नजर नहीं आए, देखिए जरा। हर किसानों पर कुदरत की मार कुछ ज्यादा ही पड़ी है। बार बार बरसात होना और ओलावृष्टि से महेंद्रगढ़ जिले के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं और सरसों की फसल काफी हद तक किसानों की बर्बाद हो चुकी है। यही कारण है कि नारनौल की अनाज मंडी में अभी तक एक भी दाना ना ही तो सरसों की बिक्री के लिए पहुंचा है और ना ही गेहूं की। अगर मंडी की व्यवस्था करें तो 2 टीन शेड के अलावा मार्केट कमेटी ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि किसान अपनी जब फसल लेकर आए और बरसात से उसे बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि मंडी में किस तरह से पूरा खुला हुआ है, 2 टीन शेड हैं, इसके अलावा मार्केट कमेटी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में अगर किसान फसल भी लेकर आता तो किसान की फसल इस मंडी में भीगती। ऐसे में 3,000 से अधिक किसानों ने जिला प्रशासन के पास पहुंचकर अपनी फसल खराब होने की शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि सरकार जल्द उनकी खराब हुई फसल का गिरदावरी का काम कंप्लीट करे और 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाए। मौसम विभाग की माने तो अभी आगे भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मंडियों में व्यवस्थाएं अभी तक दुरुस्त नहीं है। ऐसे में गेहूं की सरकारी खरीद कैसे हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर के लिए सुनील कुमार और नारनौल से जुगेंद्र कुमार की रिपोर्ट।